भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास फिर से मौसम खराब होगा और मूसलाधार बारिश भी होगी। इसके लिए IMD ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि पूरे हफ्ते दिल्ली NCR समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा इन इलाकों में 20 से 21 अगस्त को भारी बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार की सुबह भी भारी बारिश हुई, जिसके कारण जगह जगह जलभराव हो गया और कई स्थानों पर यातायात बाधित हो गया। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में यातायात जाम होने के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। IMD की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार सुबह के समय से रिज इलाके में 72.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग में 28.7 मिलीमीटर और लोधी रोड में 25.5 मिलीमीटर और वहीं आयानगर में 2.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। IMD ने कहा कि दक्षिण पश्चिम हवाएं अरब सागर से नमी लेकर दिल्ली की होकर गुजर रही हैं और मानसून ट्रक की ओर जा रही हैं। इसके अलावा स्थानीय कमजोर पश्चिम विभोग से जुड़ी ठंडी शुक्ल हवा गर्म नम मानसून हवाओं के साथ मिल गई है, जिसके कारण दिल्ली में सुबह सुबह तेज बारिश भी हुई। जमीन पर बना कम दबाव का क्षेत्र ट्रफ लाइन कहलाता है और ये रेखा में काफी दूर तक फैला हुआ है। IMD ने शहर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि फिलहाल आप लोग सावधान रहें। येलो अलर्ट खराब मौसम की स्थिति को इंगित करता है और स्थितियों को खराब होने की संभावना जताता है, जिसके जनजीवन अस्त व्यस्त होने का भी आसार होता है। मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन में कहा गया कि 20 अगस्त को जम्मू डिवीजन के अलावा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 20 से 26 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तराखंड के लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और वहां पर भारी बारिश से अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के में कहा गया कि 20, 23 और 24 अगस्त को पश्चिम यूपी के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होगी। इसके अलावा 20 से 24 अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर और राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है। IMD ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के बाद बड़ा केंद्र बना है, जो अगले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण बांग्लादेश के ऊपर बना कम दबाव वाला क्षेत्र बांग्लादेश के मध्यम भागों से स्थानांतरित हो गया है। इसकी वजह है पूर्व उत्तर के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश अगले 3 दिन से 4 दिनों तक हो सकती है। इस दौरान तूफान जैसी हवाएं 65 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। IMD ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और कहा कि वहां बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा को भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटका के कुछ हिस्सों में, पूर्व मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा विदर्भ, गंगेय, पश्चिम बंगाल, दक्षिण गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। लद्दाख, पश्चिम राजस्थान और सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। इसके हिसाब से अभी पूरे देश में कहीं ना कहीं हल्की हल्की बारिश या तेज बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।